नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में साना साना हाथ जोड़ी पाठ के पुनरावृत्ति में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगटोक शहर के प्राकृतिक सौंदर्य की। बच्चों, लेखिका रात्रि के समय गंगटोक शहर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई, जिसके ऊपर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर की तरह से लटके हुए हैं। यह सारा दृश्य देखकर लेखिका के मन में एक गीत फूटने लगता है, जो उन्होंने उस नेपाली युवती से सीखा था। गीत की लाइनें हैं, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो को सैले। अर्थात, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो बच्चों, इसके बाद गंगटोक शहर के सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। गंगटोक शहर में केवल पुरुष नहीं, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं और यह एक दार्शनिक जगह है, जहाँ पर बहुत पर्यटक इसको देखने के लिए हर साल आते हैं। तो वहां पर लेखिका ने देखा कि कुछ सुंदर युवतियां बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं और कुछ ने तो अपने बच्चों को भी अपनी पीठ पर बांध रखा था, और वो भूख प्यास के बीच में ही वहां पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हैं, सड़कें बना रही हैं, जिन सड़कों के सहारे उनका जीवन का जो है खान पान का सारा कार्य चलता है। तो इसके बाद लेखिका जो को जितेन बताते हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चे भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से बड़े व्यक्ति। जब वो स्कूल से आते हैं तो आने के बाद उनको मवेशी चराना या लकड़ी बीनने के लिए जाना, तो इस तरह के कार्य छोटे वहाँ के वो भी छोटे बच्चे भी करते हैं, और पुरुष के लिए भी यहाँ पर जो है कार्य कार्य करना कोई आसान नहीं है। उनके छोटे छोटे कार्यों के लिए उन्हें 2-4 किलोमीटर ऊपर या 2-4 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। तो यह उनके जीवन में काफी संघर्ष के साथ उन्हें यहाँ पर कार्य करने पड़ते हैं। उसके बाद लेखिका ने जो हमारे इस पाठ में कटाव के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन किया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यह युमथांग जो है कटाव से 149 149 किलोमीटर दूर है, और उससे कुछ आगे कटाव है। कटाव अभी तक दार्शनिक जगह नहीं बनी है, वहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ पर कोई दुकान भी नहीं है, वहाँ अभी तक प्रकृति का जो नज़ारा है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो वहाँ पर बर्फ का नज़ारा लिया जा सकता है। लेखिका, उनके साथी मणि और उनके जो गाइड हैं जितेन, वो सब वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर बर्फ को देखा। लेखिका इस बात को देखकर बहुत खुश थी कि यहाँ तक अभी मनुष्य ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ये केवल प्राकृतिक सौंदर्य है। और यहाँ पर अभी तक इतनी उष्णता भी नहीं आई है कि जो बर्फ को पिघला सके, अर्थात यहाँ पर अभी तक प्राकृतिक नज़ारा जैसे का तैसे बना हुआ है। तो अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में पहाड़ी बच्चे। जो पहाड़ी बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2-4-5 किलोमीटर तक वो पैदल जाकर भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, और उन्हें का कोई मैदानी रास्ता नहीं है जिसमें वो आसानी से पैदल जा सकें। उन्हें या तो चढ़ाई चढ़ना होता है या तो उन्हें कुछ पहाड़ी पर से नीचे आना होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और वहाँ स्कूल भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, केवल इक्का दुक्का स्कूल होता है, और सारे मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे उसी उसमें आते हैं। ये 8-10 साल के बच्चे स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। और जैसे ही लेखिका वहाँ से गुजरी तो लेखिका ने 2-4 बच्चों को वहाँ स्कूल से आते हुए देखा, जो उनसे लिफ्ट मांग रहे थे।
तो अब लेखिका बिल्कुल जो है लास्ट हमारी जो गैंगटोक की लास्ट जगह पर थी, तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो चीनी पलटन है और हमारी पलटन, हमारी जो सीमा है वहाँ पर खड़ी हुई थी, हमारे फौजी वहाँ पर थे, वहाँ का तापमान -15 डिग्री था। तो उनको देखकर लेखिका बड़ी हैरान थी कि जिस हम किस तरह से 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही ठंड से ठिठुर जाते हैं, और यहाँ पर तो इनको -15 डिग्री में रहना पड़ता है। तो लेखिका वहाँ पर एक सिपाही से बात भी करती है कि क्या आप यहाँ पर खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी खुशी के लिए हम यहाँ पर अपनी खुशी जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, उसको दाव पर लगा रहे हैं, आप कल सुरक्षित रहें इसलिए हम आज आपको अपना आज दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेखिका का जो मन है वो थोड़ा भारी हो जाता है, और उसे जो है उनके प्रति थोड़ी दया महसूस होती है।